बच्चों में कोरोना के लक्षण के लिए मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आपने थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया तो आपके बच्चे में कोरोना के गंभीर लक्षण आ सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुहाना गुप्ता, नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, न्यू क्लिनिक चिल्ड्रन हॉस्पिटल जयपुर। आज हम बात करते हैं कि बच्चों में कोरोना की जाँच कब करी जाए। अगर आपके बच्चे में 3 दिन से बुखार है, बच्चे आपके घर में कोई कोरोना का मरीज है और बच्चे में कोरोना के लक्षण आ रहे हैं, जैसे कि सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार आना, उल्टी दस्त होना, कोई भी सिम्टम्स जो आपको मैंने अपने पहले वीडियो में बताए थे, किसी भी तरह के लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आप बच्चों के कोरोना की जाँच तुरंत कराएँ। अगर आपके बच्चे में कोरोना का मरीज नहीं है घर में कोई, फिर भी बच्चे के कोरोना के सिम्टम्स आ रहे हैं, तभी भी आपको कोरोना की जांच तुरंत करवानी चाहिए। अगर आपके घर में कोई कोरोना का संक्रमित मरीज है लेकिन आपके बच्चे के कोई भी लक्षण नहीं है, तो उस अवस्था में आपको कोरोना की जांच 5 दिन के बाद करवानी चाहिए, क्योंकि जनरली इसका इंक्यूबेशन पीरियड 5 से 14 दिन माना जा रहा है। बच्चे को संक्रमित होने में 5 दिन लगते हैं, बट कुछ बच्चों में 2 दिन पहले भी सिम्टम्स आ सकते हैं। इसीलिए अगर सिम्टम्स आ गए हैं तो आप तुरंत उसकी जांच कराएं, और अगर सिम्टम्स नहीं है, बच्चा केवल कांटेक्ट में आया है, तो जनरली 5 दिन के बाद उसकी जांच करवानी चाहिए। मीनवाइल आप बच्चों को मॉनिटर करते रहें। बच्चों में कोरोना के लक्षण के लिए मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आपने थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया तो आपके बच्चे में कोरोना के गंभीर लक्षण आ सकते हैं। मैं इसीलिए पेरेंट्स को मैं यही सलाह देना चाहूँगी, अगर आपके घर में कोई भी कोरोना का पेशेंट है तो आप अपने बच्चे को ज़रूर मॉनिटर करें, और घर में कोई कोरोना का मरीज नहीं है तो इस समय आप हर बुखार, खांसी, जुकाम को कोरोना ही मान के चलें और तुरंत अपने बच्चों के डॉक्टर से सलाह लें। धन्यवाद। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और मेरे को नीचे दिए गए मेल पर भी मेल कर सकते हैं। आपको आपका जवाब ज़रूर मिलेगा।